चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े शिक्षक के घर को बनाया निशाना, दिया 2.5 लाख की चोरी को अंजाम। बांदा शहर के जरेली कोठी के पास गली नंबर 2 में रहने वाले आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में अध्यापक संतोष कुमार तिवारी रोज की भांति आज भी अपने विद्यालय पढ़ाने गए थे। विद्यालय से वापस आकर देखा कि ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखने पर पूरा सामान बिखरा पड़ा है। घर में रखी नकदी व जेवर भी चोरी हो गए, जिसमें 2 लाख रुपए के जेवर व 50,000 रुपए नकद थे, जिसकी तुरंत सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। उधर गृह स्वामी संतोष कुमार जी ने बताया कि इससे पहले भी मोहल्ले में कई चोरियां हो चुकी है, आज तक किसी का कोई सुराग नहीं लगा है। रिपोर्टर नवल तिवारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल, क्राइम ब्यूरो, बांदा। आपका संतोष कुमार तिवारी, तो कहाँ रहते आप? सदामापुरी के रैली कोठी विद्यालय झाल के आगे गई नंबर 2। जी दादा, आप एक कहाँ पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बांदा। आज क्या हुआ? आज स्कूल गए हम 10 बजे यहाँ से जी, जब अभी 2 बजे आए हैं। ताला बंद करके गए थे, जब आए हैं तो ताला अंदर का टूटा हुआ था। अंदर सामान देखे हुए हैं, पूरा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ, और उसमें पर्स में 50,000 नकद पड़े हुए थे, और पूरी जेवर चली गई। जेवर में मंगलसूत्र था, हार था, पायल था, बिछुआ था, सब चला गया। अंगूरिंगे थी। दिन दहाड़े चोरी हुई? दिन में है क्या? इससे पहले आसपास कभी चोरी हुई होगी? हाँ, आसपास चोरी हुई है, एक पीछे चोरी हुई थी, अभी इसके पहले दिन में वो भी चोरी हुई है, करीब 2 उसमें भी 12-2 बजे के बीच चोरी हुई थी। कब से आप रह रहे हैं मकान में? हम ये जुलाई से आ गए थे। तो अभी तक की घटना जो हुई, तो आपको संदेह नहीं लगता कि कोई आसपास कुछ चक्कर घूम रहे हो? यही आसपास के लोगों का काम है। जी जी, क्या मुंगे पुलिस आई? अभी अभी अब 1 घंटे बाद पुलिस आई बताने के बाद। क्या लगता है कितने नुकसान होगा आपका? लगभग 2.5 लाख के आसपास चले गए। 2 लाख की तो जेवर चली गई, 50,000 नकद गए।